जाए तो मेरे नबी के तरीके पर गुजर जाए। मेरे अजीजों, ये फिक्र है हमारे और आपके लिए कि हम इस तरह मुआजना करें। आज कंपटीशन का दौर है, जबानी बातों का दौर नहीं है, आज एग्जाम का दौर है। कोई बंदा भी बगैर एग्जाम दिए अगले क्लास में जा नहीं सकता, कोई बंदा भी ग्राइस बन नहीं सकता जब तक के मुकाबले में उतर न जाए। अपनी दुनिया को नबी के अहकाम से तफावुल करो, कंपेयर करो। मेरा एक कमी मेरे अल्लाह के काम और मेरे नबी के फरमान के मुताबिक तय नहीं है, है तो बहुत मुबारक, और अगर नहीं है तो हमारे हाथ के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तुम्हारे बेटे, चलो अगला, अल्लाह ने बताया बेटे इतना प्यार तुम्हें अपने बेटों से है, उससे कहीं ज्यादा प्यार तुम्हें नबी से होना चाहिए, आगे बैठना अल्लाह से होना चाहिए। है आप कहेंगे कि बेशक हम सबको अपने नबी से इतना सबसे ज्यादा प्यार जितना हमारे बेटे को प्यार अब करते हैं, हमें लगता है ये बात दुरुस्त नहीं है, इस बात के कहने में हम सच्चे नहीं है। अगर किसी से पूछो क्यों इतनी दूर भाग कर रहे हो कि मेरे बेटे मरीज है, बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल है, इनका फ्यूचर है, इसलिए कमा रहा हूँ ताकि इनके लिए कुछ करके चला जाऊं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जो तकाजा है उसके लिए दो हाथ कितनी है, नबी के दीन को जिंदा करने के लिए दो हाथ कितनी, नबी की अजमत की हिफाजत की दो हाथ कितनी। जितना वक्त मैंने और आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिया, क्या उसका आधा भी अपने नबी के दीन पर अमल करने और नबी के दीन को जिंदा करने के लिए दिया है? अगर आधा भी दिया है चलो कामयाब हो, और अगर आधा नहीं, आधे में से आधा भी नहीं, बच्चों के लिए पूरा वक्त हो और अल्लाह के नबी के दीन के लिए झंडा भी नहीं चल पाता हो, तो मेरे अजीजो हमारी और आपकी कामयाबी अल्लाह के हवाले है। आज देखो गैरों को, देखो उनको, देखो अल्लाह को और उसके नबी को ईमान, उनकी एक्टिविटीज को देखो, सुबह के 4 बजे से रोडों पर टहलता हुआ देखो, उनकी सादगी को देखो, उनकी कुर्बानियों को देखो, उनके मिशन और उनके अहम और मकासिद को देखो, फिर उनकी लगन देखो, उनका इत्तेहाद देखो, उनकी आपसी यूनिटी देखो, और तुम अपना हाल देखो। सबक लो वो जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से नाआशना है, उनका हाल तो वो है कि वो अपनी जिंदगियों का बड़ा हिस्सा अल्लाह के दीन को मिटाने में लगाती है, और हमारा हाल ये है हमारे घंटों घंटों मोबाइल में गुजर जाते हैं, मगर ये फिक्रे हमारे अंदर है कि अल्लाह के नबी की दीन को जिंदा करने के लिए कुछ घंटे रोजाना दे दें। शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, यूट्यूब, एक गली दूसरी गली, तीसरी चौथी पांचवी, जवानों तुम्हारी तो रातों के दो दो इसी में बच जाते हैं। सोच के भी तुमने कभी देखा कल कयामत में होते कौशल से कैसे अपने नबी का सामना कर रहे? कहाँ जा रही है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीविया, तुम्हारे शौहर, तुम्हारे वो कारोबार जिसको तुमने बड़ी मोहब्बत के साथ खड़ा किया है, वो घर जिसको तुमने बड़े प्यार से बनाया है, वो आचार्य जिसको तुमने बड़े प्यार से सजाया है, अल्लाह फरमाता अगर इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा हो गई, बताओ तू अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, पकड़ आएगी, और जब पकड़ आती है अल्लाह की क्या नेक और क्या ही नाफरमान, क्या बल और क्या इच्छा, फिर सारे के सारे अल्लाह की पकड़ में आ जाते। आज अल्लाह ने मुझे और आपको मौका दिया है, मेरे और आपके पास आज वक्त है, वाकई वक्त है बदलने का, कि मैं और आप अपनी जिंदगी के रुखों को दुरुस्त करें,
और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें उस रूप का सारा फार्मूला बता दिया और वो ये अगर तुम चाहते हो कि जम के चलो ईमान पर, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कोई कुछ न बिगाड़ पाए, अगर तुम चाहते हो कि समाज में सारी दुनिया तुम्हारी काई हो जाए, अगर तुम चाहते हो इस्तेकामत, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की नुसरत, तो दो चीजों को मजबूती से पकड़ो, एक अल्लाह के कुरान को और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। आज सुन्नतों का एहसास हमारे आपके दिलों से कम हो रहा है, ये नहीं कह रहा खत्म हो रहा है, भी बहुत है लेकिन कम होता चला जा रहा है। इसाइल हमारी जिंदगियों में औरों के आते जाते हैं, हमारी नई नस्ल दूसरों को फॉलो करने में लगी है, उनके तमाम दर्द चौबीस घंटे की जिंदगी के स्टाइल किसी और के हैं जिसकी वो नकल कर रहे हैं। याद रखिए, हम पे हमारे नबी के एहसान का, अल्लाह की इस निस्बत का और नबी की इस निस्बत का दूसरा हक ये है कि आप नबी से मोहब्बत करें, पहला हक हर चीज से ज्यादा, और दूसरा हक ये है कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ले।